Hello dear students we are going to start a new topic that is theory of quantitative and qualitative analysis this one is the first part and in this part we will discuss about its introductory part that what is quantitative and qualitative analysis and then we will discuss about the solubility products so students let's start yes students as the topic name is here theory of qualitative and quantitative inorganic analysis तो जो ये क्वालिटेटिव और इनऑर्गेनिक एनालिसिस है वो एक ब्रांच के अंदर आते हैं ठीक है थीके? वो किसके अंदर आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री जो मेनली बेस्ड होती है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के ऊपर ठीक है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हम ये कह सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री की एक क्या होती है ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है मेनली क्या होता है इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को देखते हैं विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरी मेंटल टेक्निक्स ओके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से जो है रिलेट करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री और सेकंड ये डिपेंड करती है किससे रिलेट करेगी ये मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट इन मैक्सिमम एक्यूरेसी की जो रिजल्ट आया है वो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ किन मेथड से आ सकता है सेकंड क्या है इसके अंदर मैथड्स मैथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेसिंग मैथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिजल्ट द रिजल्ट इन मैक्सिमम एक्यूरेसी इन मैक्सिमम एक्यूरेसी ठीक है आई होप आपको पता चला होगा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड जो आपके पास रिजल्ट आता है उसकी एक्सप्रेसिंग को ठीक है उसका जो रिजल्ट आता है उसको मैक्सिमम एक्यूरेसी के थ्रू किन मेथड से रिप्रेजेंट किया जा सकता है okay, ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, है ये आपके पास फर्दर टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड होती है ये फर्दर टू ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड है ओके फर्स्ट वन जो है आपके पास दैट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस एक क्या होती है क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है दूसरी क्या होती है आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस ठीक है क्वांटिटेटिव Analysis, okay. नाम से क्वालिटी कि का मतलब क्वालिटी है इट मीन हम उसके गुण बारे उसके के बारे में बात करते हैं ठीक है, है मतलब उसके करेक्टर्स के बारे में बात करते हैं जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं मतलब हम उसके नंबर्स के बारे में बात करते हैं उसकी क्वांटिटी मतलब वो कितनी मात्रा में है इसके बारे में डिस्कस करते हैं तो देखिए जो आपके पास फर्स्ट वन है फर्स्ट वन जो क्या है आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ठीक है ये क्या डिटेक्ट करती है इट डिटेक्ट इट डिटेक्ट्स, इट डिटेक्ट इट डिटेक्ट द एलिमेंट इट डिटेक्ट द एलिमेंट और आयन ठीक है कोई एलिमेंट या आयन किस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है प्रेजेंट इन द गिवन सैंपल ठीक है यदि नेचर पता होगा तभी हम बता सकते हैं कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो क्या देख रहा है वो देख रहा है कि कौन सा आयन प्रेजेंट है ठीक है एंड इट डिपेंड्स अपॉन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दिस्टम कौन द नेचर ऑफ सब्सटेंस ये सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है ठीक है नाउ सेकेंड वन क्या है आपके पास सेकेंड वन है आपके पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो ये किसके बारे में बताएगी इट एस्टिमेट ये आपको किसके बारे में एस्टिमेट करती है इट एस्टिमेट इट एस्टिमेट द क्वांटिटी इट एस्टिमेट द क्वांटिटी 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 ऑफ डिफरेंट एलिमेंट क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है तो आपको पता चला कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है तो हम क्या कह रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की यदि बात की जाए क्वालिटेटिव एनालिसिस की यदि बात की जाती है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होती है वो आपके पास क्या होती है जो ये डिटेक्ट करके बताए कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या कौन सा आयन प्रेजेंट है और ये टोटली totally डिपेंड करती है कि आपका आयन या आपका जो एलिमेंट है उसका नेचर कैसा है मींस नेचर ऑफ द सिस्टांस के ऊपर ये डिपेंड करती है सेकेंड जो है आपके पास क्वान्टिटिव एनालिसिस वो एस्टिमेट करती है वो आपको ये इस बात का एस्टिमेट करके देती है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी क्वान्टिटी के अंदर कोई भी एलिमेंट सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है तो ये था आपके पास क्वान्टिटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस

जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो प्लस और इसको लिखते हो आप कैटायन पॉजिटिव से जिसको लिखते हो कैटायन और नेगेटिव से किसको लिख के दिखाते हो आप इसको दिखाते हो एनायन को ठीक है तो इन जो है आपके पास कैटायन और एनायन से मिलकर बना है तो जो ये आपके पास पॉजिटिवली चार्ज आयन है पॉजिटिवली चार्ज आयन क्या है आपके पास कैटायन पॉजिटिवली चार्ज कैटायन जो है उसे बोला जाता है बेसिक रेडिकल इसे क्या बोला जाएगा बेसिक रेडिकल इट इज नोन एज बेसिक रेडिकल इसी तरह से जो आपके पास नेगेटिवली चार्ज आयन है ठीक है नेगेटिवली चार्ज आयन जो है उसको हम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं एसिड रेडिक ठीक है एसिड रेडि, रेडिकल ओके okay? तो इतना क्लियर हुआ कि आपके पास जो सोर्स होते हैं, वो किसे मिलके बनते हैं बेसिक रेडिकल्स और जो नेगेटिवली चार्ज आयन है उसको बोला जाता है एसिड रेडिकल अब इनको एसिडिक और बेसिक रेडिकल कैसे बोला जाता है क्यों बोला जाता है तो देखिए जब हम बात करते हैं सॉल्ट की ठीक है तो सोल्ट जो होता है आपके पास किससे मिलके बना होता है सोल्ट जो है वो किस किस से मिलके बना है सोल्ट के अंदर क्या होता है एसिड होता है एंड बेस होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल यदि मैं डिस्कस करूं किसका एन का एच सी एल एंड NaOH ठीक है तो ये आपको क्या देता है ये आपको देता है सोल्ट प्लस वॉटर ठीक है सोल्ट क्या फॉर्म होता है आपके पास एन और क्या साथ में निकलता है वोटर अब देखिए जो यहां पर सीएल नेगेटिव निकला है ठीक है जो यहाँ पर सीएल है वो कहाँ से आया है सीएल जो है दिस सीएल, इट कम्स फ्रॉम दिस वन ये जो सीएल है ये सीएल आपके पास आया है एच से ठीक है और ऐसे ही आपके पास जो एन है वो कहाँ से आया है एन से ठीक है क्लियर है कि हमने बोला कि आपके पास यहाँ पर एन पॉजिटिव जो आया है वो कहाँ से आ रहा है वो एन से आ रहा है और आप क्या बोलते हो एन क्या होता है बेस होता है इसीलिए मैंने कहा है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा इसमें आपके पास लिखा है पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको हम क्या बोलेंगे बेसिक रेडिकल बिकॉज ये कहाँ से आया है बेस से आया है सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं जब हम एच से क्या लेके आए हैं सीएल नेगेटिव नेगेटिव कहां से आया है एच सी एल से ओके एंड यू नो एच सी एल क्या होता है बस एसिड होता है ठीक है तो एसिड से क्या आया है सीएल नेगेटिव आया है That's why आपके पास जो नेगेटिवली चार्ज सीएल नेगेटिव है वो क्या कहलाएगा यहां पर एसिड रेडिकल ओके okay, तो जहां से भी आपके पास रेडिकल आया है मतलब जहां से भी कटायन या एनायन आया है वही उसका क्या है नेम है ठीक है ये जैसे कटायन कहां से आया है बेस से आया है तो उसका नाम हो गया बेसिक रेडिकल एनायन कहां से आया है एसिड से आया है दैट्स उसका नाम हो जाता है एसिड रेडिकल एंड आप सभी को पता है कि जो सोलिड होती है ठीक है सोलिड स्टेट के अंदर यदि आप इन कैटायंस और एनायंस को देखें ठीक है कटायंस और एनायन बोलने की बजाय अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल तो ये आपके पास पॉजिटिव है ये क्या है आपके पास पॉजिटिव इज हियर बेसिक रेडिकल बेसिक रेडिकल ओके और जो नेगेटिव है यहाँ पर क्या है वो है एसिड रेडिकल दिस वन इज एसिड रेडिकल ओके तो जब हम सोलिड स्टेट के अंदर देखते हैं तो आप सभी को पता है सोलिड स्टेट के अंदर जो आयन्स होते हैं वो होते हैं एक दूसरे से, why, जो है और बेसिक के, रेडिकल है? है तो हम क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल एंड केस ऑफ सोल्यूशन यदि आप बात करते हैं ठीक है इन केस ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन केस में यदि देखा जाएगा तो सोल्यूशन केस में जो आपके पास कटायन और एनायन मीन्स क्या है ये आपके पास एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल जो भी है तो कैटायन जो है वो क्या है आपके पास बेसिक रेडिकल दिस वन अगेन हियर बेसिक रेडिकल और ये क्या है आपके पास एसिड रेडिकल Now, के अंदर ये जो आपके पास कटायन और एनायन जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं ये जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे ठीक है जब हम क्वालिटेटिव इनऑग्निक एनालिसिस कर रहे हैं ठीक है ठीके? जब हम क्या करते हैं क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस करते हैं इनऑर्गेनिक कर हम तो क्या देखते हैं क्वालिटेटिव है इट मीन्स यू आर सेइंग द नेचर ऑफ दैट कैटायन और एनायंस मीट मीन्स यू आर डिटेक्टिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ कैटायन एंड व्हाट टाइप ऑफ एनायन इज देयर ठीक है आप यहां ये देख रहे हैं कि वहां पर जो आपके पास कैटायन या एनायन है वो को क्या है डिटेक्शन ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कटायन कौन है और एनायन कौन है ठीक है वो क्या किससे पता चलता है आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस से और जो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है मेनली बेस्ड होता है थ्री फैक्टर्स के ऊपर ठीक है ये आपके पास मेनली थ्री फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होता है या आप कह सकते हो बेस्ड अपॉन थ्री कॉन्सेप्ट बेस्ड अपॉन थ्री कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स क्या है फर्स्ट कंसेप्ट इज सोलबिटी ठीक है फर्स्ट कंसेप्ट क्या है आपके पास सोल्युबिलिटी द सेकेंड वन इज सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड थर्ड वन इज कॉमन आयन इफेक्ट कॉमन आयन इफेक्ट सो so, हम इन तीनों फैक्ट पहले हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे सो so दैट हम इजीली जो है आपके पास जो एसिड और बेसिक रेडिकल्स हैं उनको क्या कर सके क्लासिफाई कर सके तो स्टार्ट करते हैं पहले हम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट्स यस तो देखिए जो आपके पास सोलिबिलिटी होती है सोल्युबिलिटी िटी को लेकर यदि हम देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं वॉटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं और कुछ क्या होते हैं स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं ठीक है कुछ क्या होते हैं आपके पास हाईली सोल्यूबल सम आर हाईली सोल्यूबल एंड स्लाइटली सोल्यूबल इन वोटर स्लाइटली सोल्यूबल इन वॉटर कुछ क्या होते हैं वॉटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं और कुछ क्या होंगे आपके पास अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं like, यदि मैं बात करूं हाईली सोल्यूबल्स की तो जो एन है के है इस तरह के जो भी आपके पास सोल्ट हैं, ठीक है एन हो गया KCl हो गया ठीक है ये क्या होते हैं आपके पास इजिली सोल्यूबल हो जाते हैं इजिली सोल्यूबल इन वॉटर ओके तो ये इजिली सोल्यूबल हो जाएंगे तो इनकी सोल्यूबिलिटी जो है इजिली डिटरमाइंड की जा सकती है सो दे आर सोल्यूबिलिटी दे आर सोल्यूबिलिटी कैन ईजिली बी डिटरमाइंड कैन ईजिली बी डिटरमाइंड ठीक है तो इनकी सॉल्युबिलिटी को डिटरमाइन करना टिपिकल नहीं है लेकिन जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ठीक है यदि मैं बात करूं स्लाइटली सॉल्युबल्स के केस में तो हम एग्जांपल्स लेते हैं लाइक AgCl है ठीक है AgBr है AgI है ठीक है सिल्वर आयोडाइड हो गया लेड सल्फाइड हो जाता है ठीक है सल्फाइड्स हो गया लेड के सल्फेट यदि हम ले लें PbSO4 आपके पास हो गया लेड आयोडाइड हम यहां ले ले ठीक है इस तरह से यदि हम और एग्जाम्पल्स ले लें लाइक सी हुआ या कैल्शियम सल्फेट होता है ओके ये जो आपके पास है ये क्या है स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं स्लाइटली सोल्यूबल का मतलब ये है पूरी तरह से वो वॉटर के अंदर सोल्यूबल नहीं है वो क्या है आपके पास स्लाइटली सोल्यूबल है तो देखिए जो आपके पास सोल्ट है जो सोल्ट आपके पास लो सोलबिलिटी के हैं द सोल्ट हैविंग लो सोलबिलिटी सोलबिलिटी जिनकी अच्छी थी हाइयर थी वो तो डिजोल्व हो गई लेकिन जिनकी क्या है आपके पास हैविंग लो लो वो क्या करते हैं आपके पास ठीक है आप कह सकते हो जो स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट है ठीक है स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट जो है वो क्या करते हैं वो वहां पर एक सेचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन कर देते हैं ठीक है फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन और उस स्टेट के अंदर जो अनडिजोल्व सॉलिड होता है ठीक है जो भी अनडिजोल्व सॉलिड है वो और जो डिजोल्व हो गया है सॉलिड उसके आयंस किसमें एग्जिस्ट करते हैं इक्लिबेरियम में एग्जिस्ट करते हैं आयंस ऑफ डिजोल्व सॉलिड ओके इज इट क्लियर कि जब यदि हमारे पास क्या नहीं हुआ है स्पेंगली सोल्यूबल है अच्छे से सोल्यूबिलिटी सोल्यूबल नहीं हुए तो जो डिजोल्व हो गए उनके आयंस और जो डिजोल्व नहीं हुआ है सोलिड वो वो क्या होगा एक दूसरे के डायनेमिक डायनेमिक्लूबेरियम में रहेगा ठीक है एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लाइक यदि मैंने क्या लिया सिल्वर क्लोराइड लिया जो सोलिड स्टेट के अंदर है जब इसे सोल्यूशन के अंदर डाला जाएगा एजीसीएल तो ये यहाँ पर क्या हो गया है ये यहाँ पर स्प्रेंगली सोल्यूबल है ओके और ये कैसे डायनेमिक एक्बेरियम में है ये जो डिजोल हो गई उसके कटायन और एनायंस के डायनेमिक इक्लिवेरियम में यहां प्रेजेंट है ठीक है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं हम यहां पर ला कर, अप्लाई करेंगे वेन वी अप्लाई व्हेन वी अप्लाई ला ऑफ ला ऑफ केमिकल केमिकल बेरियम। ठीक है केमिकल जो ला, लाव केमिकल इक्लिबेरियम है उसको जब यहाँ पर अप्लाई किया जाता है तो आपको पता है कॉन्स्टेंट के की वैल्यू यहाँ पर क्या आती है प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में क्या आती है रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट आपके पास कहाँ है प्रोडक्ट इज हियर ठीक है जो प्रोडक्ट आपके पास क्या है एजी पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव तो आप इसको यहाँ पर राइट डाउन करोगे क्या लिखेंगे एजी पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन तो एंड सीएल इसके अपोन क्या आएगा इस रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट आपके पास कहाँ अवेलेबल है रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल है यहाँ एजी सीएल इन सॉलिड स्टेट ठीक है तो हमने इसको लिखा एजीसीएल की कंसेंट्रेशन ठीक है तो एजीसीएल के अंदर यदि हम क्या देखते हैं एजीसीएल की सॉलिड स्टेट के अंदर हम कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो कांस्टेंट रहती है ठीक है तो इसको आगे सोल्व करते हैं आगे करते हैं तो, है, तो आपके पास क्या आ जाता है यदि मैं क्या, यहां पे क्या लिखा हमने के इज इक्वल टू एजी पॉजिटिव सी एल नेगेटिव की कंसंट्रेशन अपोन में ए जी सी एल ये हमने यहाँ पर लिखा है नाउ यदि हम सॉलिड स्टेट के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें एजी सी एल ठीक है तो वो आपके पास क्या बन जाता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एजी पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव ये आपके पास यहां पर आ जाता है तो ये हमने अभी अभी बताया आपको कि सॉलिड स्टेट के अंदर एजी की कंसेंट्रेशन क्या है constant ही है तो इसको भी हम K के बराबर पुट अप कर सकते हैं यदि इसको K के बराबर पुट अप करोगे तो क्या हो जाएगा ऑलरेडी है एक कॉन्स्टेंट और दूसरा कॉन्स्टेंट आपके पास के हो गया वो किसके बराबर हो जाता है कैटायन मत दैट इज आपके पास क्या है एजी एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन एंड सीएल नेगेटिव की कंसेंट्रेशन तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है आपके पास These two case, ये दोनों कॉन्स्टेंट जो है वो एक नया कॉन्स्टेंट जो है प्रोवाइड कराते हैं और उस कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे उस कॉन्स्टेंट को हम यहाँ पर बोलेंगे के एस पी मतलब सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वो क्या आ गया आपके पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट ठीक है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो है वो सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आपके पास आ गया है तो डेफिनेशन देखिए क्या होगा तो देखिए जो हमने यहां पर के लिखा वो तो क्या है आपके पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट वो क्या है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और दूसरा जो हमने प्रोडक्ट लिखा है किस किस का प्रोडक्ट लिखा है एजी पॉजिटिव और सीएल नेगेटिव का वो क्या है आपके पास आयनिक प्रोडक्ट आयोनिक प्रोडक्ट ओके नाउ देखिए यदि हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं बाउट द सोल्यबिलिटी तो आप सभी को पता है कि सोल्युबिलिटी जो है सोलिबिलिटी जो है वेरी करती है किसके साथ वेरीज विद टेम्परेचर टेम्परेचर के साथ वो क्या करेगी वेरी करेगी ठीक है कॉमनली हम इसका एग्जांपल लें तो यदि आप ये देखें कि यदि आपने जो सॉल्ट है नमक जो है उसको आपने एक तो ठंडे पानी के अंदर डिजोल्व किया है और एक क्या किया है आपने सॉल्ट को ये जो आपके पास वॉटर है इसके अंदर हमने क्या किया एन जब ऐड किया तो यदि हमारे पास कोल्ड वॉटर है एक टाइम जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो जो NaCl है वो इसके अंदर स्लोली डिसॉल्व होता है लेकिन सेकंड केस के अंदर यदि क्या कर लिया जाए वाटर जो है उसको हमने हीट कर दिया और वाटर क्या हो गया है अब हॉट हो गया है तो उस टाइम यदि हम NaCl इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या होता है फास्ट डिसॉल्व होता है ठीक है तो देखिए जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर टेंपरेचर के ऊपर तो जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर सो वी कैन राइट हियर दट के एस पी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ठीक है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर के एस पी जो है वो किस पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ओके okay. ना मैं एक एग्जाम्पल यहां लेती हूं कि आपके पास क्या है कोई स्प्रेंगले सोल्यूबल सोल्ट हम यहां पर ले लेते हैं किसका स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट जर्नल रिएक्शन के लिए स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट हमने लिया ठीक है जो जो किस किस का लिया है अपने जो है, जिसके अंदर आपके पास आय जो है किस किस के हैं, ए मोल्स ऑफ एक्स एंड बी मोल्स ऑफ वाई है ठीक है आपके पास इस तरह से है या आप ये कह सकते हो कि मैं इसको यहां पर ऐसे लिखू कि आपके पास ए एक्स बी वाई ए एक्स है और दूसरा जो है आपके पास बी वाई है तो यदि मैं इसको क्या करती हूँ ये स्प्रेंगली सोल्यूबल है इसको हम क्या करते हैं सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए एक्स बी वाई वो किसमें है सॉलिड स्टेट में रहेगा ठीक है सॉलिड स्टेट में था जब आपने इसको सॉल्यूशन में डाला तो ये डायनेमिक इक्लिबेरियम में आ गया लेकिन स्प्रेंगली सॉल्युबल है दैट्स तो वाई तो इसको क्या लिखेंगे बी वाई किसके अंदर है ये सॉल्यूशन के अंदर ठीक है नाउ यदि हम क्या देखें कि कुछ तो इसका पार्ट क्या हो गया है डिजोल्व हो गया है कुछ नहीं हुआ है तो हमने क्या कहा था डिजोल्ड और अनडिजोल्व एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे ठीक है तो यदि मैं ये मानूं कि x मोल ऑफ A पॉजिटिव एंड y मोल्स ऑफ B नेगेटिव जो है ये आयंस हैं जो डिजोल्व हो गए हैं तो इसके अकॉर्डिंग यदि आपसे पूछा जाए कि के क्या होगा यहाँ पर ठीक है यहाँ पर के क्या होगा के एस पी या फिर पहले हम कॉन्स्टेंट निकाल लेते हैं ठीक है उसके बाद हम के दिखा करेंगे यदि आप कॉन्स्टेंट निकालते हैं तो कॉन्स्टेंट क्या था आपके पास रिएक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप में क्या थी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है एक्स मोल ऑफ ए पॉजिटिव ठीक है तो यहाँ पर ए पॉजिटिव क्या है आपके पास कटायन है कितना मोल्स है एक्स तो उसकी जो जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा वो क्या चला जाएगा उसकी पावर में ऐसे ही वाई मोल्स नेगेटिव है सॉरी वाई नहीं दिस वन इज बी दिस वन इज बी तो जो बी नेगेटिव B नेगेटिव कितने मोल्स हैं Y मोल्स वो हम उसके पावर में लिख देते हैं अब नीचे हम क्या लिखते हैं रिएक्टेंट दैट इज ए एक्स बी वाई ठीक है Reactant, AX, B, y, तो यदि यहां से आपके पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आएगा तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को आप बोलते हो कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन होगी उसकी कैसे के ठीक है कैसे हुआ है हमने जो सॉलिड स्टेट है

सो हियर वी कैन डिफाइन द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट यदि हमें सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन देनी पड़े सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन के लिए पूछा जाए तो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं कि ये सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए सॉल्यूबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए किसका आता है ये स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट स्प्रेंगली सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म ए फॉर्म ए सैचुरेटेड सोल्यूशन सेचूरेटेड सोल्यूशन ठीक है सेचुरेटेड सोल्यूशन कब मनाता है इन वॉटर एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन

द इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ देयर आय ठीक है जो उसके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है उन उनका प्रोडक्ट हो जाएगा एंड रेज टू द पावर रेज टू द पावर टू द पावर इक्वल टू इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ आयस प्रोड्यूस्ड ऑन डिजोल्यूशन ठीक है जब डिजोल्व करते हो तो कितने नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस करता है कहा से ऑफ वन मॉल ऑफ ऑफ वन मॉल ऑफ एस्टांस या आप कह सकते हो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ठीक है तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने यहाँ से क्या देखी कि आपके पास सोलिटी प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी स्प्रेंगली सोल्यूबल सोल्ट को जब वॉटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ठीक तो है तो उसके प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के आयंस है उनका प्रोडक्ट एंड देन फी क्या होता है रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस ठीक है और जो प्रोडक्ट आया है आयंस की कंसेंट्रेशन का उसके पावर में क्या चले जाएगा जितने नंबर ऑफ आयंस जो है डिजोल्यूशन के टाइम्स प्रोड्यूस हुए थे जब हमने वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोसुस्टांस जो है लिया था ठीक है अभी अभी जो हमने किया था उसी तरह से हम इसको दिखा सकते हैं लाइक के जो था वो क्या था मैंने ये लिया था कि ए ए पॉजिटिव के तो एक्स मोल थे और बी वाई जो था आपके पास ठीक है बी नेगेटिव के एनायंस के क्या थे वाई मोल्स तो ये क्या है गए आपके पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है दोनों आयंस किसके प्रोडक्ट के दोनों आयंस जो था उनका प्रोडक्ट इनटू जो उनका क्या सॉरी फिर उसका क्या आएगा रेज टू देयर पावर ठीक है रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस ऑन डिसोल्यूशन ओके नाव हम देखते हैं दैट इज रिलेशन बिटवीन मोलर सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगलेस सोल्यूबल सॉल्ट जो स्प्रिंगलेस सोलबल सॉल्ट है उनके सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ओके और जो आपके पास मोलर सोलिबिलिटी है उसके अंदर क्या रिलेशन है तो देखिए हमने अभी कहा कि जो आयनिक प्रोडक्ट होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन का उसको आप क्या बोल रहे हो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ठीक है तो जो रिलेशन आपके पास सोलिबिलिटी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स का है उसको हम टू केसेस के थ्रू समझ सकते हैं फर्स्ट केस यहाँ पर हम लेते हैं केस फर्स्ट केस फर्स्ट ओके केस फर्स्ट के अंदर हम कहते हैं फॉर ए सॉल्ट ये किस टाइप के लिए होगा फॉर ए सॉल्ट हैविंग गिविंग इक्वल नंबर ऑफ गिविंग इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस ये यहाँ पर आप याद रखेंगे कि हमारे पास कैसा केस है जब कटायन और एनायंस जो है सोल्ड से आपको जो मिल रहे हैं वो सेम है ठीक है यदि मैं कहूँ कि वन कटायन है तो वन ही एनायन है टू कटायन है तो टू ही आपके पास क्या है एनायंस है तो आप इसका दूसरा नाम बोल सकते हो दैट इज एबी टाइप ठीक है इसको आप क्या बोल सकते हो ए बी टाइप दिस वन इज एबी टाइप ओके okay, तो देखते हैं इसके लाइक आपके, है, है, आपके पास क्या हो सकता है एजी बी आर हो या आपके पास सोडियम आयोडाइड हो ओके okay, या आपके पास क्या हो लैड सल्फेट हो या आपके पास क्या हो बैरियम सल्फेट इन सभी के अंदर यदि हम देखें तो इनका जो आपके पास आता है यदि इनके अंदर हम नंबर ऑफ और एनायन डिस्कस करें तो आप इजीली जो है डिटेक्ट कर सके बता सकते हो like लाइक इसके अंदर फर्स्ट के केस में एजी पॉजिटिव होगा और सी एल नेगेटिव मतलब दोनों के केसेस में वन वन है ऐसे ही ब्रोमाइड के केस में सिल्वर पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव अगेन एजी पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव ऐसे ही पीबी के अंदर क्या होगा आपके पास पीबी टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है? ये आपके पास फॉर्म होता है नेगेटिव, ऐसे ही आपके पास बैरियम टू पॉजिटिव एंड एस टू नेगेटिव ठीक है? तो आपने यहाँ से देखा कि इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर जो हमने यहां पर लिए हैं इन सभी के अंदर नंबर ऑफ जो कैटायन है नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनायंस ठीक है तो इनके अंदर क्या है नंबर ऑफ और एनायंस क्या है आपके पास सेम है ओके okay? यदि सेम है तो इनकी सोलिब्रिटी प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करोगे आप ठीक है एग्जांपल्स ले लेते हैं सबसे पहला ही एग्जांपल हम यहाँ पे उठा लेते हैं लाइक like एजीसीएल जो है उसी को लेते हैं एजीसीएल ओके एजीसीएल जो सॉलिड स्टेट में था तो हमने उसको लिखा एजीसीएल ओके okay? नाव जब इसको हमने क्या कर दिया है वॉटर के अंदर डिजोल्व किया तो ये सोल्यूबल हुआ लेकिन स्प्रेंगले सोल्यूबल हुआ ये सोल्यूशन के अंदर आ गया ठीक है इसके केस में क्या है ये डायनेमिक इक्विबेरियम है कुछ जो आपके पास आयंस क्या हो गए डिजोल्व हो गए हैं ठीक है तो हमने इसको लिखा एजी पॉजिटिव सीएल नेगेटिव यदि जो सोल्यूबिलिटी है स्प्रेंगले सोल्यूबल साल्ट की ठीक है ए बी की ठीक है यहां पर हम क्या मान लें एस मोल्स पर लीटर ठीक है इफ मैं इसको यहां पे राइट डाउन करती हूं ठीक है इफ सोलिबलिटी यदि आपके पास क्या है इफ सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट ठीक है, की क्या है आपके पास इज एसमोल मैं मान लेती यहाँ पर क्या है S per liter है, है है ठीक कि के अंदर जो वो परिजोल्व हो रहे हैं जो है, है, solubility जो है शो कर रहे हैं. नाउ तो यदि हम इसका के देखें आपके पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो देखेंगे वो क्या होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्वेरियम हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव, ठीक है ऐसे ही आया था आपके पास एजी पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव आपके पास आया था और हमने क्या कह दिया कि सोलिबिलिटी को मैंने क्या मान लिया है एस मान लिया है तो एजी की जगह मैं यहाँ क्या रख सकती हूँ एस यदि रखू ठीक है और ऐसे ही मैं क्या कर दू क्लोरीन की जगह भी क्या रखू एस रखू तो आपके पास के एस पी क्या हो जाएगा के एस पी विल बिकम्स हियर एस इन टू एस ठीक है आपके पास क्या हो गए दोनों एस का क्या करना है प्रोडक्ट ही तो है आपके पास तो दोनों एस का हमने क्या मान लिया एस इंटू एस ठीक है दोनों एस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन तो आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा एस स्क्र ठीक है तो जब भी आपके पास ऐसा सोल्यूबल सोल्यूबल सोल्ट है जिसके अंदर एक ही टाइप के कटायन और एनायंस है मतलब नंबर ऑफ कटायन और एनायंस क्या हो सेम हो एक टाइप के नहीं नंबर ऑफ और एनायंस सेम रहेंगे तो उस केस में जो के एस पी है उसको हम यहां पर राइट डाउन कर रहे हैं के एस पी इज इक्वल टू एस स्केयर इस तरह से जो है हम उसको राइट डाउन करेंगे ओके इज इक्वल टू स्केयर दोनों का दोनों के सोल्यूबलिटीज का स्केयर हो जाएगा वो तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा जो के एस पी था ऐसे स्प्रिंगले सोलबल सॉल्ट जिसके अंदर क्या था सेम नंबर ऑफ एनायंस और कटाइंस थे उसके अंदर आपके पास स्प्रिंगले सोलबल मतलब जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू आती है एस स्केयर नाउ सेकेंड केस हम यहां पर डिस्कस करते हैं केस सेकेंड केस सेकेंड ठीक है इसके अंदर क्या है यदि आपके पास ऐसा सोल्ट है जिसके अंदर डिफरेंट नंबर है कैटायंस और एनायंस के ठीक है तो हम यहां पर लिखेंगे फॉर सोल्ट फॉर सॉल्ट हैविंग या गिविंग फॉर सोल्ट गिविंग डिफरेंट ठीक है यहां पर हम क्या लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ एनायंस डिफरेंट नंबर ऑफ कैटायनायंस ओके अब यहां इस केस के अंदर कैटाइंस और एनायस जो है आपको डिफरेंट मिलेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें एग्जाम्पल्स यदि मैं बात करूं आपके पास सी एफ टू ठीक है हम किस को देख रहे हैं हम पहला एग्जाम्पल्स किसको डिस्कस कर रहे हैं सी ए F2 ठीक है तो इसके अंदर यदि देखा जाए तो क्या होगा आपके पास इसके केस में आपके पास यहां पर क्या गिवन है कैल्शियम टू पॉजिटिव ठीक है प्लस में आपको क्या मिलेगा प्लस में आपको मिलता है F नेगेटिव ओके यहाँ हम इसको

और आपके पास क्या है टू आयन है ठीक है तो इसमें क्या हो गया आपके पास नंबर ऑफ एनायंस वो क्या हो गए हैं आपके पास डिफरेंट हो गए हैं सेम नहीं रहे ठीक है नेक्स्ट वन और एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल देखिए इसके अंदर क्या होता है एल्यूमिनियम ओ एच थ्राइस ठीक है यदि इसको देखा जाए तो कैसे डायनेमिक में एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता करता है ये एक्जिस्ट करता है ये डायने के ऊपर होता है प्लस थ्री चार्ज और के ऊपर होता है माइनस वन ठीक है अब एक एलिनियम के साथ यदि थ्री हाइड्रोक्स अनायंस आय जो है वो रिएक्ट करेंगे तभी जाकर एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी तो यहां भी आप इजिली जो है डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ पर थ्री जो है ओ एच है और क्या है वन ही क्या रहेगा आपके पास ए एल रहेगा तो दोनों ही कटायन और एनाय एक दूसरे से क्या हो गए डिफरेंट हो गए हैं अलग हो गए हैं उनके नंबर ऑफ आय ठीक है नगजाम्पल इज हियर सी ए थ्री पीओ फोर ट्वाइस यदि ये एग्जाम्पल हम लेते हैं तो इसके अंदर देखिए कैसे डायनेमिक एक्वेरियम में ये एग्जिस्ट करेगा कैल्शियम है कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना होता है प्लस टू चार्ज होता है ठीक है साथ ही साथ क्या है पीओ फोर थ्राइस ठीक है पीओ फोर के ऊपर चार्ज कितना होता है थ्री नेगेटिव ठीक है तो यदि यहां पर देखा जाए पीओ फोर के ऊपर थ्री नेगेटिव चार्ज कैसे होगा जब हम इसके पीओ 3, uh, की स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपके पास फोर्सोरस है उसके साथ कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं ऑक्सीजन ने एंड ओके नाउ देखिए की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी फाइव है तो आपके पास वन ऑक्सीजन जो है इस तरह से बॉन्ड बना लेगा लेकिन जो रिमेनिंग थ्री ऑक्सीजन रहते हैं उनके पास डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो कितना चार्ज आ गया इसके पास थ्री नेगेटिव तो हमने लिखा पीओ फोर थ्री नेगेटिव नाउ नंबर ऑफ कटायन और एनायन यहाँ पर देखते हैं तो देखिए जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट के अंदर आपके पास गिवन है थ्री कैल्शियम तो ठीक है तो आप प्रोडक्ट में भी लिखेंगे थ्री कैल्शियम नीओ फोर कितने हैं टू है तो यहाँ पर आ जाएगा टू तो आप डिटेक्ट कर पा रहे हैं थ्री कैटायन है टू एनायन है, है दोनों ही क्या है डिफरेंट है तो इस केस में ये दोनों डिफरेंट हो जाते हैं वन मोर एग्जाम्पल इज हियर लाइक दिस जिरकोमियम जेड आर थ्री पीओ फोर PO4 फॉर इसके भी क्या है मॉल्स ठीक है तो अब आप देखिए यदि इसका डायनेमिक इक्विबेरियम देखा जाए ठीक है इसका डायनेमिक इक्विबेरियम देखेंगे तो ज़िरकोनियम जेड इसके ऊपर चार्ज कितना होता है आपके पास जिकोरियम के ऊपर प्लस फोर चार्ज होता है और जो आपके पास पी ओ फोर है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है अभी अभी हमने देखा थ्री नेगेटिव चार्ज होता है तो यदि हमारे पास जिरकोमियम के ऊपर प्लस फोर चार्ज है ठीक है तो हमें क्या चाहिए मीन्स फोर जो है पीओ चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा फोर इज हर फोर और जीकोनियम इन थ्री तो यहाँ भी आप इजिली डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि आपके पास थ्री जीरो है? है. तो हमने ये देखा कि इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर चाहे सी एफ टू है ए एल है, है या जडार थ्री पीओ फोर है सभी के अंदर नंबर ऑफ कैटाइन और एनाइंस क्या है डिफरेंट है तो अब इनके अंदर हम सोलिबलिटी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं नाउ अब हम डिस्कस करेंगे के एस पी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट किसके लिए फॉर सॉल्ट फॉर सॉल्ट हैविंग हैविंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ कैटायस एंड एनायंस ठीक है यदि कटायंस और एनायंस के नंबर डिफरेंट है तो उस केस में आप सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू तो देखिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे दैट इज कैल्शियम डाई फ्लोराइड ठीक है अभी अभी हमने डिस्कस किया था तो मैं हमने देखा था कि इसके अंदर कटायन और एनायंस के जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट है ये कैसे देता है आयंस आपको कैल्शियम टू पॉजिटिव प्लस में क्या देता था ये आपके पास एफ नेगेटिव नंबर ऑफ मॉल्स टू ठीक है तो आपके पास टू मॉल्स ऑफ फ्लोराइड आयंस तो यदि कंसंट्रेशन देखी जाए

के एसपी क्या था आपके पास प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन हमने प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ले ली कैल्शियम टू पॉजिटिव ऐसे ही हमने ले लिया प्रोडक्ट क्या है आपके पास एफ नेगेटिव लेकिन हमें जो जितने ions, जितने नंबर नंबर ऑफ ऑफ इन्वॉल्व हुए हैं उनको कैसे लिखना होता है कंसंट्रेशन की पावर में तो कंसेंट्रेशन की पावर में यहाँ क्या चला जाएगा फ्लोरीन के टू चला जाएगा अब कैल्शियम को क्या लिखा गया है कैल्शियम को लिखा गया है यहाँ पर आपके पास एस ये हो गया एस इसी तरह से आपके पास क्या है एफ नेगेटिव इसकी कंसेंट्रेशन को क्या लिखा जाएगा 2S और इसका स्क्र हो गया ये नाउ इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 2S को जब S से मल्टीप्लाई किया पहले क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेते हैं S का S रहेगा और आपके पास 2S का स्क्र क्या हो जाता है आपके पास 2S का स्क्र आपके पास होगा 4S एस ठीक है फोर एस स्क्र तो ये आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन करते फोर एस क्यूब ठीक है कैसे इसको हमने ऐसे सोल्व किया है देखिए कैसे सोल्व करते हैं जर्नल यदि आप देखें तो ट्रिकली आप इसको ट्रिक के थ्रू करना चाहे तो आप कैसे करेंगे यदि मैं कहूं कि आपके पास कैल्शियम था ठीक है तो एक्स नंबर ऑफ एक्स जितना x है वो और जितने नंबर ऑफ के है वो आप लिख लेंगे प्लस में जो की आएंगी उसके ऊपर x प्लस वाई की टर्म्स को आप क्या कर दोगे मल, जोड़ देंगे ठीक है यहाँ पर जो पावर्स में टर्म होंगी वो तो क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी या क्या करना है पावर में जो ट्रम जो सॉरी जो, जो, जो जितने नंबर ऑफ आयंस है ना उनको आप क्या कर दोगे जोड़ देंगे जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं आप उसको किस में लिख रहे हो पावर में लिख रहे हो ठीक है तो पावर्स जो है वो तो जुड़ जाएंगी वो क्या आ जाएगी एस एस की वैल्यू आ जाती है और जो आगे जो वैल्यू आएगी एक्स या वाई की ठीक है जो जितने नंबर ऑफ एक्स है ठीक है लाइक मैंने यहाँ कैल्शियम लिखा था ठीक है तो आपने देखा यहाँ पर कैल्शियम क्या है वन है तो वन की पावर वन फ्लोराइड कितना है आपके पास टू है तो टू की पावर टू तो ये आपके पास क्या हो गया वन और फोर का मल्टीप्लीकेशन और एस के पावर में क्या चला गया टू प्लस वन तो आपको समझ में आया होगा क्या किया गया है जो भी आपके पास कटायन और गिवन है ठीक है तो उनको आप क्या करोगे उनके नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ आयंस के जो है उनको नंबर ऑफ आयंस को उनके पावर में लिख दोगे ठीक है इस तरह से जैसे आपके पास कैल्शियम वन था तो वन की पावर वन फ्लोरिन टू था तो टू की पावर टू जनरल इस तरह से आप, आप कर सकते हो ट्रिकली सीधा जल, जल्दी हो जाता है इससे ठीक है जो ट्रम दे रखी है उन दोनों ट्रम को क्या कर दोगे ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाती है एस की वैल्यू आ जाती है एस के ऊपर जो पावर आएगी वो हम इस तरह से इन दोनों के एडिशन से निकाल सकते हैं नेक्स्ट और देख लेते हैं एग्जाम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसी के केस में तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपके पास एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड ए एल ओ एच है तो यदि हम इसका देखें डायनेमिक इक्विबेरियम में तो डायनेमिक इक्विबेरियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा एल्यूमिनियम इन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा और आपके पास ओ OH एच के ऊपर क्या आता है नेगेटिव चार्ज अब कितने ओ OH एच है यहाँ पर रिएक्टेंट में थ्री तो थ्री आ गया है ठीक है अब इनकी यदि सोलिबिलिटी देखी जाए तो सोलिड स्टेट के अंदर ये सोलिड स्टेट है सोलिड स्टेट के अंदर सोलिबिलिटी एस ठीक है ऐसे ही आपके पास क्या है एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम तो सोलिबिलिटी भी एस अब ओ OH एच है ठीक है ओ एच की सोलिबिलिटी आपने लिखी एस लेकिन कितने नंबर ऑफ मोल आय है थ्री तो ये हो गया थ्री ठीक है तो ये आपके पास हो गया नाउ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या है आपके पास के एस पी एस होता है केएसपी एसपी क्या होगा आपके पास एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन ठीक है एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन जो है उनकी कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन करना है ओ एच नेगेटिव की आयन ओ नेगेटिव की कंसेंट्रेशन नाउ इसकी पावर में क्या जाएगा जितने नंबर ऑफ ये जो थ्री है ये कहाँ आ जाएगा इसकी पावर में जितने नंबर ऑफ ओ नेगेटिव है वो उसके पावर में चलेगी अब इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पर सोल्व करते हैं तो आपके पास देखिए क्या आता है जो आपके पास एल्यूमिनियम है उसकी सोलबिलिटी को आपने क्या लिखा है एस ओके नाउ आपके पास नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है OH की कंसेंट्रेशन क्या है 3s एस सोलिबिलिटी के अंदर लिखा आपने थ्री 3s और उसकी पावर क्या है 3 है ठीक है सोल्व कीजिए s का आपके पास s रहेगा ठीक है क्या दे रखा आपके पास 3S3. तो 3 को यदि टाइम्स आप क्यूब मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है ट्वेंटी सेवन क्यूब यही आएगा नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन को वन एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और एस की वैल्यू क्या आ जाएगी थ्री प्लस वन क्योंकि एस के ऊपर क्या है ओनली वन ही है ठीक है तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पर आंसर यहाँ पर आ जाएगा ट्वेंटी तो ये आपके पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है किसके केस में एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड के केस में ठीक के है यदि जो हमने ट्रिक देखी थी उसके अकॉर्डिंग यदि आप इसको निकालना चाहे तो देखो आपके पास क्या है एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव ठीक है More, कि आपके पास क्या दे रखा है एल्यूमिनियम थ्री पॉजिटिव लिखा है हमने ओके okay. और दूसरा क्या लिखा है आपने थ्री ओ एच नेगेटिव तो हमने क्या लिखा पहले एल्यूमिनियम की कंसेंट्रेशन वन की पावर वन ठीक है ओ OH एच कितना है आपके पास थ्री है तो थ्री की पावर थ्री फिर क्या लिखेंगे एस एस की पावर में क्या लिखेंगे वन प्लस थ्री तो ये आपके पास क्या हो गया वन इन टू ट्वेंटी सेवन और एस की पावर फोर तो ये आपके पास आ जाता है ट्वेंटी सेवन एस की पावर फोर ठीक है तो आप इस तरीके से भी जो है इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नेक्स्ट जो आपके पास एग्जाम्पल दिया है वो क्या दिया है कैल्शियम थ्री एंड पी ओ फोर की हॉल ट्वाइस ये दे रखा है अब देखिए इसका डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखते हैं सबसे पहले तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में इसके कैटायन और एनायंस क्या होंगे कैटायंस का डिस्कशन किया जाए तो क्या है आपके पास कैल्शियम है कैल्शियम ओके ऊपर चार्ज कैसा होता है प्लस 2 साथ ही साथ फोस्फेट है pi o 4 के ऊपर चार्ज कैसा होता है आपके पास आप पीछे हमने बताया था 3 नेगेटिव ठीक है हो गया नाउ नंबर ऑफ जो आपके पास है को बैलेंस कर दीजिए दोनों साइड रिएक्शन में तो बैलेंस करेंगे रिएक्शन के अंदर तो आपके पास कैल्शियम रिएक्टेंट में कितने हैं तो थ्री है तो थ्री फोस्फेट कितने है टू है तो यहाँ पर

3S. ऐसे ही आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा एस है सोलिबिलिटी लेकिन कितने number है 2 है है ठीक तो ये आपके पास हो गया Now, हम इसको find out करेंगे कैसे find out करते हैं हैं निकाल लेते है इसका KSP. Formula क्या है के एसपी फाइंड आउट करने का सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने का रिएक्ट जो प्रोडक्ट है उनकी कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन क्या क्या है कैल्शियम टू पॉजिटिव का एंड पीओ फोर थ्री uh, है आपका काम है कि आप इनके number of moles लिखे. Number of moles, के कितने हैं? है. और के कितने हैं? के है 2. तो आपके पास हो गया नाउ कैल्शियम टू पॉजिटिव क्या है आपके पास कैल्शियम टू पॉजिटिव की सोलबेटी देखी तो आपके पास थ्री थी तो आपने उसको लिखा थ्री एस पावर कितनी चली गई थ्री ऐसे पीओ फोर की क्या है आपके पास टू एस पावर कितनी चली गई टू तो ये आपके पास क्या हो जाएगा टोटल करते हैं तो थ्री का थ्री टाइम्स करते हैं तो क्या आ जाएगा ट्वेंटी सेवन ठीक है क्यूब और ऐसे ही टू का थ्री टाइम्स करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास फोर एस क्यूब तो है तो स्क् ना दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ट्वेंटी सेवन को फोर से मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है ट्वेंटी फोर को सेवन से मल्टीप्लाई कीजिए क्या आएगा आपके पास वन जीरो एट ठीक है 108. Now, S की वैल्यू क्या रहेगी तो एस की वैल्यू के लिए आपने क्या कर दिया थ्री प्लस टू को एड कर दिया ओके? तो आपके पास क्या आ जाता है? 108S5, है? ठीक ये आपके पास क्या आ गई के की वैल्यू यहां से आ गई है किसके केस में कैल्शियम ट्राई सॉरी सी ए थ्री पीओ फोर ट्वाइस ओके एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी एग्जाम्पल देखते हैं हम किस किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं हम एग्जाम्पल देख रहे हैं ऐसे सोल्ट का जिसके अंदर क्या होता है आपके पास जिरकोनियम थ्री पीओ फोर फोर ऐसे सोल्ट का जिसके कटायन और के नंबर क्या है? है ठीक है तो देखिए इसका जब हम क्या देखते हैं और ऑफ है है. आय जो है वो बैलेंस कर दीजिए जीरो है फोर्टेट क्या है फोर है ठीक है ये हो गया उसके बाद आपने क्या बोला था हम सोलिबिलिटी लिखेंगे सोलिबिलिटी सोलिड स्टेट के लिए हमने लिखी यहाँ एस यहाँ हम लिखेंगे कितनी एस लिखेंगे ियम के लिए लेकिन थ्री मोल्स है तो थ्री हो गया ऐसे ही आपके पास फोर मोल्स है तो ये फोर एस हो गया ठीक है दोनों का आ गया है हमने यहां पर राइट डाउन कर दिया नाउ सोलिबिलिटी लिखते थे तो आपने क्या कहा था कि आपके पास जो ठीक है उनकी आयसट्रेशन का प्रोडक्ट प्रोडक्ट की के जो आय है उनकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इंटू रेज टू दावर दर नंबर ऑफ मोल्स ठीक है तो यहाँ पर थ्री और यहाँ पर आपके पास फोर हो गया ठीक है नाउ इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो है है 3S, है है उसकी आपने लिखी कितनी और ऐसे ही की क्या है? आपके पास और और इसकी ठीक है 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 तो ये आपके पास आता है, 27, okay, और क्या है? आपके पास पास आता क्या प्रोडक्ट किसके साथ करना है फोर एस तो फोर एस को फोर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कितना आता है वो आता है आपके पास टू फिफ्टी सिक्स एक्स फोर ठीक है एस फोर हो गया नाउ ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई टू फिफ्टी सिक्स एस के लिए क्या करेंगे एस की टर्म्स के लिए दोनों पावर्स को सम कर देंगे दोनों का सम किया तो आपके पास जो आंसर आता है ट्वेंटी सेवन मल्टीप्लाई टू फिफ्टी सिक्स कीजिए ठीक है क्या आएगा आपके पास सिक्स नाइन वन टू और एस की पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी ये आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है तो इन सभी एग्जांपल्स के अंदर जो है हमने क्या देखा है हमने ये देखा कि हम सोलिब्रिटी प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे अल्टरनेट मेथड जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है वो क्या है आप ऐसे कर सकते हैं या अल्टरनेट मेथड के थ्रू आप क्या करते हो देखो आपने क्या लिखा आपने रिएक्शन लिखी ठीक है क्या लिखी है जेड आर थ्री पीओ फोर फोर ठीक है डायनेमिक डायनेमिक्विबेरियम में है किसके साथ थ्री मोल्स ऑफ जेड आर फोर पॉजिटिव एंड फोर मोल्स ऑफ पीओ फोर थ्री नेगेटिव ठीक है तो यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो डायरेक्ट कैसे लिखोगे कि आपके पास जेड आर जो है वो कितने नंबर है थ्री है तो थ्री की पावर सीधा थ्री लिख दीजिए कितने हैं फोर है तो फोर की पावर फोर लिख दीजिए देन एस के एस के लिए क्या करोगे जो पावर ट्रम है उनको जोड़ दीजिए फोर प्लस थ्री तो आपके पास सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा सिक्स नाइन वन टू एस की पावर सेवन ठीक है तो इस तरह से भी आप जो है सोलिब्रिटिव प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और जो फर्स्ट मेथड है उसके थ्रू भी आप सोलिब्रिटिव प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ न्यूमेरिकल्स जो आपके पास क्वेश्चन पेपर के अंदर आए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं ना क्वेश्चंस देखिए सोलिबिलिटी से प्रोडक्ट से रिलेटेड तो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द सोलिबिलिटी ऑफ एजी टू एजी टू सीआरओ फोर सोलिबिलिटी दी है आपके पास एजी टू सीआरओ फोर की एट 85 डिग्री सेल्सियस इज 8.0 पॉइंट जीरो एट पॉइंट जीरो पर लीटर आपसे क्या पूछा गया है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए एजी टू सी आर ओ फोर के लिए ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे जो भी सोल्ट गिवन है उसको लिख लेते हैं एजी टू दिस वन इज एजी टू हि एजी टू एंड सी आर ओ फोर ओके जब ये डायनेमिक इक्लिबेरियम में एग्जिस्ट करेगा तो कैसे एग्जिस्ट करेगा सिल्वर के ऊपर चार्ज होता है प्लस ऐसे ही सीआरओ फोर के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव बैलेंस कर दीजिए बैलेंस में क्या होगा एजी टू है

ठीक है? है। ये दी है, ऐसे ही सेकंड केस में भी क्या दिया 1S, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको एट पॉइंट पावर माइनस फाइव राइट डाउन कर सकते हो ठीक है नाउ के पी फाइंड आउट कर लीजिए आपको के पी के लिए ही बोला है इसने के पी क्या होगी आपके पास प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट आय, के आयंस की कंसेंट्रेशन ठीक है ये प्रोडक्ट के का कंसेंट्रेशन हो गया और उनकी पावर्स में क्या चली जाएगी उनके नंबर ऑफ मॉल्स तो एजी के दो है और CrO4 फोर के वन है तो ये हमने इसको लिख दिया Now, यहाँ पर क्या है एजी क्या है आपके पास एजी के आपके पास एस की वैल्यू क्या है 2s और उसका क्या है आपके पास स्केर ऐसे ही क्रोमियम क्या है 1s और उसकी पावर क्या है 1 है पुट अप कर दीजिए वैल्यू को 2s की वैल्यू ये गिवन है 2s की वैल्यू यानि आपके पास क्या है 2 into s की वैल्यू दे ही रखी है ऊपर 8.0 into 10s की पावर minus 5 और इसका क्या कर दिया गया है स्क्यूअर कर दिया गया है और सेकेंड केस में आपके पास क्या है 1s का 1s की पावर 1 तो 8.0 into 10s की पावर 5 और, पा, और हम लिख देते हैं 1 नाउ सोल आउट कर लीजिए सोल आउट करते हैं तो आपके पास जो निकल के आता है हम टू टू का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा ऐसे ही एट का स्क्वायर करेंगे तो सिक्सटी फोर तो फोर इन सिक्सटी फोर ठीक है इन टू टेन डेज की पावर फाइव है तो ये फाइव और फाइव क्या हो जाएगा आपके पास ट्वेंटी फाइव और टेन हो जाएगी ठीक है टेन एस यहाँ पर हम एस लिखेंगे दिस वन इज द एस एस तो हमने यहाँ पर लिखा ही नहीं तो ये आपके पास यहाँ पर एस भी लिखा जाएगा एस यहाँ पर लिख दिया है साथ ही साथ आपके साथीरो आप को मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पास यदि आप डेसिमल में राइट डाउन करते हैं तो वैल्यूज आ जाती है टू पॉइंट जीरो फोर एट ओके इंटू टेन डेज की पावर टेन डेज की पावर क्या आएगी आपके पास क्योंकि हमने एस की जो वैल्यूज है उनको क्या करना है एडअप कर देना है ठीक है तो ये यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगी टेन और फाइव फिफ्टीन होती है लेकिन डेसिमल्स को थ्री पॉइंट आगे कर रहे हैं हम तो इसमें क्या आ जाएगी वैल्यूज आएगी ट्वेल्व यहाँ पर एस जो है लिखा नहीं जाएगा ठीक है तो ये क्योंकि एस की वैल्यू तो हमने लिख ही दी है ना ठीक है तो एस की वैल्यूज को हमने लिख दिया है तो ये आपके पास हो जाएगा टू पॉइंट जीरो फोर एट इंटू टेन डेज की पावर माइनस ट्वेल्व किस में आएगा आंसर आंसर आता है आपके पास मोल्स मोल्स क्यूब लीटर लीटर माइनस क्यूब ठीक है तो ये था आपके पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके पास द सोल्यूबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड इज 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फोर ये जो है फोर है माइनस फोर है मोल्स पर लीटर एट टू नाइनटी एट इट्स इिटी प्रोडक्ट एट दिस में सोलिबिलिटी है उसे find out करने के लिए बोला है तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है उसने सोलिबिलिटी की वैल्यू दैट इज वन पॉइंट सिक्स इन 1.6 टेन डेज के पावर माइनस फोर मॉल पर लीटर गिवन है ठीक है ठीके? तो सबसे पहले जो सोल्ट गिवन है उसको हम लिख लेते हैं सोल्ट क्या गिवन है आपके पास एम जी एम जी एच ट्वाइस ठीक है मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड यदि इसका हम क्या देखिए तो क्या फॉर्म होते हैं इसके पास एम जी टू पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव ठीक है कितने मोल ओ एच है आपके पास रिएक्टेंट में टू तो ये आपके पास यहाँ आ जाएंगे टू ओके नाउ सोलिबिलिटी को लिख देते हैं एम जी ओ टू की सोलिबिलिटी एस हो गई मैग्नीशियम क्या है वन है तो यहाँ पर इसकी भी वन हो गई ओ एच कितने आयन है टू आयन है तो ये टू एस हो गई वैल्यूज़ जो है आपके पास ये आ गई है एस की वैल्यू इसने दी है आपके पास एस की वैल्यू दे रखी है इस एस की वैल्यू सोलिबिलिटी की वैल्यू उसने दी है वैल्यू क्या दी है 1.6 डेज पावर माइनस फोर जो है उसने यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है ठीक है तो इजीली आप अब क्या कर सकते हो के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो किस के किसके लिए निकाल रहे हो आप मैग्नीशियम डाईहाइड्रोक्साइड के लिए क्या हो जाएगा आयंस जो है इसके क्या क्या है प्रोडक्ट में एम जी टू पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन साथ ही साथ नेगेटिव OH की नंबर ऑफ मोल्स कितने थे तो, थे तो तो वो उसकी पावर में चले गए नाउ वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए मैग्नीशियम टू पॉजिटिव उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन की पावर माइनस फोर ओके ऐसे ही ओ एच नेगेटिव टू एस था तो टू एस हो गए तो उसकी वैल्यूज आपके पास है टू इंटू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस पावर फोर ठीक है ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है इसको सॉल आउट कर लीजिए आपके पास जो है के एस पी की वैल्यूज आ जाएंगी ठीक है ये आपके पास क्या आएगी के एस पी की वैल्यू आएगी यहाँ पर किस में आएगी मॉल क्यूब लीटर माइनस क्यूब के अंदर क्वेश्चन देखिए सोलिबिलिटी ऑफ है डाइफ्लोराइड पास सोल्ट क्या दिया है आपके पास कैल्शियम डाई फ्लोराइड इन वोटर एट टू नाइनटी कैलवीन एज सोलिबिलिटी दे दिया आपके पास कितनी 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर माइनस थ्री ग्राम पर हंड्रेड क्यूब सेंटीमीटर ठीक है कैलकुलेट द दिलिटी प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम डाइफ्लोराइड ठीक है अब देखिए इस केस में आपके पास क्या है यहाँ सोलिबिलिटी के अंदर जो है चेंजेस किया गया है सोलिबिटी की जो वैल्यू है उसको मोल्स पर पर लीटर की देने की बजाय बजाय देने दे दिया गया है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तो पहले हम जो सोलिबिलिटी की वैल्यू है एस की जो वैल्यू है ठीक है उसको जो है मोल्स पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे सोलिडिटी की वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करेंगे मोल्स पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो देखिए इसने सोलिबिलिटी दी क्या है आपके पास वन पॉइंट सेवन इंटू टें पावर माइनस थ्री पर हंड्रेड 100 और थाउजेंड के लिए आप क्या लगा देंगे ग्राम तो ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाती है इसकी वैल्यू आपके पास आती है वन पॉइंट सेवन इंट टेंडेस की पावर माइनस टू ग्राम पर लीटर के अंदर तो आ गई है मोल्स पर लीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल से क्या कर देंगे इसको डिवाइड करते हैं तो मोल, मोलर मास जो आपके पास यहाँ पर आएगा मोलर मास मोलर मास से डिवाइड करेंगे ठीक है तो मोलर मास क्या होता है आपके पास कैल्शियम डाइफ्लोराइड का दिस इज कैल्शियम दिस इज फ्लोराइड तो कैल्शियम का कितना होता है आपके पास ट्वेंटी इसका एटोमिक नंबर होता है तो मास नंबर कितना हो गया 40 तो ये आपके पास हो गया 40 ऐसे फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन का 9 होता है मास नंबर क्या होता है 19 ठीक है तो ऐड कर दीजिए टू फ्लोरीन है 19 टू जा थर्टी ओके तो ये आपके पास यहां पर आ जाता है 78 ओके हम इसको मोल्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो ग्राम पर लीटर की वैल्यू है 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन के पावर माइनस टू को किससे डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास से तो आपके पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू यहां से कितनी आएगी दैट इज टू पॉइंट यहाँ पर जो वैल्यू आती है 2.2 पॉइंट टू इंटू पावर फोर मोल्स पर लीटर ठीक है अब देखिए अब आपके पास क्या है ये जो वैल्यू आई है ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी आ गई है आपके पास ये वैल्यू आपके पास एस की आ गई है अब आप इजिली फिर क्या कर सकते हो इजिली आप के एस पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है तो के एस पी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होगी हमारे पास सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे सोल्ट की रिएक्शन सोल्ट क्या है आपके पास सॉरी दिस वन इज कैल्शियम दिस वन इज कैल्शियम डाई फ्लोराइड ओके okay, तो कैल्शियम डाइफ्लोराइड के केस में आप कैटाइन और एनायन देखेंगे तो क्या हो जाएगा कैटाइन आपके पास क्या है कैल्शियम टू पॉजिटिव और फ्लोराइड कितने हैं आपके फ्लोरीन जो होता है वो एफ नेगेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है कितने होते हैं टू तो यहां से आप इजीली लिखेंगे दिस फॉर एस और इसके लिए लिख देंगे टू एस ठीक है तो मैं डायरेक्ट जो है फॉर्म इसके अंदर क्या कर देते हैं के एसपी के अंदर एस और इसकी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं नाउ एस के लिए आप क्या लिखते हो कैल्शियम

मल्टीप्लाई किससे करना है 2 2.2 10 -4 ठीक है इसको सॉल्व आउट करके आपको क्या मिल जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का आंसर ठीक है इसको आप सॉल्व आउट कर लीजिए इस रिएक्शन को इस जो आपके पास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी को और आपके पास आंसर आएगा आंसर आपके पास किस में आता है मोल्स क्यूब लीटर क्यूब तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास सॉल्युबिलिटी तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर्स दैट इज अबाउट द थ्योरी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटिव इनाग्निक एनालिसिस के अंदर हमने डिस्कस किया इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को थैंक यू वेरी मच